नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो रियल एस्टेट में जब हम कोई चीज़ बाय करने जाते हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं, तो हम ये सवाल पूछते हैं प्रोजेक्ट वालों के पास कि आपके पास रेरा नंबर है क्या, आपका प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है। तो जब वो बंदा कहता है कि हाँ हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये देखिए जिसका रेरा नंबर है और ये रेरा रजिस्टर्ड है, तो हम तकरीबन हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि अब ये प्रोजेक्ट अच्छा ही होगा क्योंकि इनके पास रेरा नंबर है। तो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम अभी खड़े हैं, जो कि अभी इस तरफ आपको कैमरा घुमा के दिखाते हैं, भाई साहब को बोलते हैं कि कैमरा इधर घुमाएं, ये सारी बिल्डिंग दिखाएं अभी, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर ये एक नाम लिखा है GBP गुप्ता बिल्डर एंड प्रमोटर्स, और नीचे लिखा है डिलीवरिंग ऑन प्रॉमिसेस। ये इनका साइट ऑफिस है और साइट ऑफिस और ये इनकी बिल्डिंग है जो बननी थी और जिस पे बहुत से सैकड़ों लोगों ने पैसे दिए थे बुकिंग के लिए। ये ऑफिस है जहाँ पे शानदार आपका वेलकम होता था। आज इस ऑफिस के शीशे भी टूटे हुए हैं और अंदर का तो हाथ आप देख ही रहे हैं, अभी जो जंगली जानवर जो उसको पहलते हैं वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन जो आवारा जानवर हैं वो यहाँ पे पूरा एंजॉय करते हैं। तो ये GBP का ऑफिस है। ये फॉल सीलिंग सब टूटी हुई हैं, यहाँ इतनी चहल पहल हुआ करती थी और आज आप देख सकते हैं कि ये कैबिनों में जब ये चलता था तो बैठने की भी स्पेस नहीं होती थी, लोग वेटिंग में हुआ करते थे। और कोई ऐसा शहर नहीं था, कोई ऐसा चौक नहीं था जहाँ पे GBP के ऑफिसेस नहीं हुआ करते थे। तो आज ये सामने आप प्रोजेक्ट यहाँ पे ग्राउंड फर्स्ट सेकंड वाले G+2 बनाने थे। यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ प्रॉमिस किया था बनाने का। तो इस सब को देख के वो शेर याद आता है जो शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि आज इतनी भी मैसर नहीं है महखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो आज GBP का, जिसके पास 16 से ज़्यादा रेरा नंबर थे, 16 से ज़्यादा प्रोजेक्ट थे, बहुत से प्रोजेक्टों को डिलीवर्ड कहा जाता था और सबसे बड़े बिल्डरों के अंदर इनका नाम शुमार था। तो इस सीरीज़ का हमने नाम रखा है एक था GBP। जी हाँ, क्योंकि अब था वाली बात हो चुकी है। ये जो लोकेशन है बिल्कुल प्राइम लोकेशन है, इसके आसपास बहुत सारे गारमेंट के शोरूम हैं, नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे के ऊपर ही ये प्रोजेक्ट है। इतना शानदार प्रोजेक्ट जो आज, जिसको पूरा करने के लिए भी प्रोजेक्ट के पास ना तो पैसे हैं, और जितने फ्लैट यहाँ बनने थे, अगर यहाँ पे 100 फ्लैट बनना था तो 500 लोगों को ये फ्लैट बुकिंग करके उनसे पैसे ले लिए गए थे। और बाद में जब ये सारा शोर शराबा हुआ कि GBP के पास पैसों की कमी आ गई है, प्रोजेक्ट लटक गए हैं और इवन के कंस्ट्रक्शन कंपनियों के भी पैसे नहीं दिए गए हैं, तो जाके जब ये शोर मचा तो लोगों ने अप्रोच करना शुरू करा। तो इसी ऑफिस में बैठकर लोगों को समझाया गया, 3-4 महीने का ये प्रोसेस हुआ। उसके बाद लोगों को पोस्ट डेटेड डेढ़ साल के बाद के चेक दिए गए कि जितने पैसे आपने दिए थे वो आपको हम बैंक इंटरेस्ट के साथ वापस कर देंगे, और चेक इशू हुए। तो बहुत से लोगों को वो चेक दिए गए थे, उनके अलमारियों में आज भी वो चेक महफूज पड़े हुए हैं और वो रोज़ सुबह उठ के उन चेक्स को देखते हैं ध्यान से कि ये वो चेक हैं जो हमने सारी ज़िंदगी में खून पसीने से कमाई हुई, जो हमारी पूंजी थी जो हमने यहाँ पे फंसा दी है, जिसके अब वापस मिलने के आसार बहुत मध्यम हैं। क्योंकि इससे पहले जितने भी रियल एस्टेट फ्रॉड हुए हैं उनके अंदर जितना भी पैसा फंसा है लोगों का, जो बहुत बड़े स्कैम थे जो 5,000 करोड़ 6,000 करोड़, उनके आज तक भी पैसे वापस नहीं हुए हैं। बहुत से नाम हैं ऐसे, लिस्ट बन जाएगी। तो जो लोग ये समझ के प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं और बिल्डर से पूछते हैं कि क्या आपके पास रेरा नंबर है, ये सिर्फ ये होना, नंबर रेरा नंबर होना या उसके पास अप्रूवल होना काफ़ी नहीं है।
कि वो प्रोजेक्ट आपको डिलीवरी देगा या नहीं देगा, उसमें आपको जो आप बुक कर रहे हैं चीज़ वो आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत कुछ वेरीफाई करना होता है जो शायद एक आम कस्टमर और एक जो आम होम बायर है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उतने उसके सोर्सेज नहीं होते हैं। तो हम ये सर्विस दे रहे हैं, हम वेरिफिकेशन करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, सिर्फ ब्रांड की डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। उसका आज की डेट में फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं चल रहा है, उसका मार्केट में लेन देन क्या है, उसकी पेमेंट्स टर्म क्या हैं, जहाँ से वो सामान मंगा रहा है वहाँ पेमेंट जा रही है कि नहीं जा रही, उसका इनफ्लो आउटफ्लो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको किसी डॉक्यूमेंट में बिल्डर नहीं दिखाएगा। आप मैक्सिमम उसकी अप्रूवल मांगोगे और वो आपको टेबल पर रख देंगे। तो इससे मसला हल होने वाला नहीं है। हम इस सीरीज़ को शुरुआत करी है, आज आपको एक प्रोजेक्ट दिखाया है, इसके बाद हम इस सारे ही जो फ्रॉड था ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ये ख़त्म हुआ, कैसे कैसे इसकी तरक्की हुई, इसकी डिटेल स्टोरी शुरू कर रहे हैं आज। एक था GPP, उसका ये फर्स्ट एपिसोड है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ चूक हुई, कहाँ लोगों से गलतियाँ हुई, कहाँ अब गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे। ये एक लंबी सीरीज चलेगी और हर हफ्ते आपको एक एपिसोड हम दिखाया करेंगे। प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल दोनों ही हमारे चैनल हैं, दोनों को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन दबा के रखें, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे वो आप तक पहुंच जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक फ्रेश अपडेट के साथ। धन्यवाद।